हैव अ गॉर्जियस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। मैं शालिनी ज्ञान की मोती में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम करेंगे पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7 से अंतिम अध्याय का अध्ययन कार्य, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन, टैगा एवं टुंड्रा प्रदेश। आज की वीडियो में हम सिर्फ टैगा प्रदेश पर चर्चा करेंगे, पार्ट 2 में हम करेंगे टुंड्रा प्रदेश का अध्ययन कार्य। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य। आप जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में गर्मी का अनुभव होता है। कड़कड़ाती सर्दी कुछ माह की ही होती है। क्या आपने कभी विचार किया है कि जब हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है तो क्या सभी जगह एक जैसा ही अनुभव होता होगा? कल्पना कीजिए, यदि वर्ष के अधिकांश महीनों में हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ती तथा कुछ महीनों के लिए झील व तालाबों का पानी बर्फ की तरह जम जाता, तो यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? आइए ऐसे क्षेत्रों के बारे में जानें। ऐसा ही एक प्रदेश है टैगा प्रदेश। यह प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेकर लैब्राडोर तक तथा यूरेशिया में फिनलैंड से लेकर उत्तर पूर्वी साइबेरिया तक पाया जाता है। इस मानचित्र में आप इस प्रदेश के विस्तार को देख सकते हैं। इस प्रदेश की जलवायु विषम है। शीत ऋतु लंबी, कठोर और ठंडी होती है। शीत ऋतु में बर्फीली आंधियां चलती हैं और हिमपात होता है। नदियां और जलाशय 6-7 माह बर्फ से ढके रहते हैं। संसार का शीत ध्रुव कहलाने वाला बर्खोयास्क नगर इसी प्रदेश साइबेरिया में स्थित है। यहाँ साल भर वर्षा जल और हिम के रूप में होती है। इस प्रदेश में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं, जिन्हें साइबेरिया में टैगा कहते हैं। टैगा रूसी भाषा का शब्द है, इस आधार पर ही इसे टैगा प्रदेश कहा जाता है। ये वृक्ष लंबे, सीधे, पतले और नुकीली पत्तियों वाले होते हैं। ये सदैव हरे भरे रहते हैं। इनकी लकड़ी मुलायम होती है। ये वन केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलते हैं। इन्हें बोरियल वन भी कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष चीड़, सेडार, स्प्रूस, फर, बॉल्सम, रेडवुड आदि हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जल मंडल का विस्तार है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल के स्थान पर स्थल मंडल का विस्तार होता तो यहाँ भी टैगा प्रदेश पाया जाता। सोचिए इस ठंडे प्रदेश में जीव जंतु कैसे रहते होंगे और क्या खाते होंगे। आइए हम चर्चा करते हैं। मिट्टी। वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर स्थायी रूप से बर्फ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण यहाँ मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ की मिट्टी बारीक नहीं, पथरीली है, जिसे धूसर या पॉट जाल मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है। यहाँ के लोग वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित हैं। जीव जंतु। इस प्रदेश में जीव जंतुओं के शरीर की संरचना इस तरह की होती है कि वे शीतकाल की कठोरता यानी अधिक ठंड को सहन कर सकें। अधिकांश जीव जंतु मोटी खाल तथा घने बाल वाले होते हैं। इन्हें समूरदार जानवर कहते हैं। यहाँ रेंडियर, कैरिबू, बीवर, हिरन, बारहसिंगा, रीछ, लोमड़ी एवं भेड़िया आदि समूरधारी जानवर पाए जाते हैं। यहाँ मौसमी परिवर्तन के साथ जीव जंतुओं के आहार की समस्या भी होती है। जब शीतकाल में धरातल पर बर्फ जम जाती है, तब ऐसी परिस्थिति में कुछ जीव जंतु शीत निंद्रा में हो जाते हैं, अर्थात भूमि के नीचे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सांप, छिपकली और मेढक जाड़े में भूमि के नीचे छिप जाते हैं। कुछ छोटे जीव बर्फ की परत के नीचे हो जाते हैं। वे बर्फ से ढकी झाड़ियों से अपना आहार ग्रहण करते रहते हैं, जैसे मछली आदि। कुछ प्राणी जाड़े के लिए पहले से ही आहार का संग्रह कर लेते हैं, जैसे बीवर।
कुछ जीव जंतु दक्षिण की तरफ शीतोष्ण घास प्रदेश में मौसमी स्थानांतरण कर जाते हैं, जैसे हिरन, बारहसिंगा, रीछ आदि। शीत ऋतु में साइबेरिया के पक्षी भारत के उत्तरी मैदानों में शरण ले लेते हैं और ग्रीष्मकाल आने पर पुनः साइबेरिया की तरफ लौट जाते हैं। मानव जीवन। इस प्रदेश में वर्ष के 6 से 7 माह धरातल पर बर्फ जमी रहने, ग्रीष्मकाल की कम अवधि, अनुपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि का विकास अत्यंत कठिन है। विषम जलवायु होने के कारण टैगा प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम है। इस प्रदेश के भीतरी भागों में कुछ जनजातियां रहती हैं। लकड़ी की कटाई, चिराई और खानों से खनिज निकालने के लिए यहाँ अब कुछ नई बस्तियां स्थापित हुई हैं। यहाँ पर पेड़ों की कटाई मशीन से की जाती है। लकड़ी के लट्ठों से इमारती लकड़ी, लुगदी, कागज, दिया सलाई, खम्भे, फर्नीचर तथा अन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में जल विद्युत की सुविधा होने के कारण यहाँ वन व्यवसाय सबसे अधिक उन्नतिशील है। यहाँ संसार का सबसे अधिक अखबारी कागज तथा लुगदी बनाया जाता है। रोल, तारपीन का तेल तथा विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ जैसे कनाडा बालरस आदि पेड़ों के लीसा से तैयार किए जाते हैं। लुगदी से प्लाईवुड बनाया जाता है। आइए आगे चर्चा करने से पूर्व हम कागज बनाना सीखते हैं। आप अपने पुराने रद्दी अखबारी कागजों को एक बाल्टी में हल्के गर्म पानी में भिगो दीजिए। ये कागज जब ठीक से भीग जाए तब संभाल कर किसी मुगरी से पीट कर इसकी लुगदी तैयार कर लें। इसमें रंग डालकर रंगीन कागज भी बना सकते हैं। लुगदी से पानी किसी बारीक कपड़े की सहायता से छान लीजिए और उसे किसी पटरे या पीढ़े पर रख कर किसी बेलन से बेलकर सुखा लीजिए। अब आप इस कागज पर चित्र आदि बना सकते हैं। इस तरह हमारा कागज बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ के कुछ निवासी मछली पकड़कर भी जीवन निर्वाह करते हैं। श्वेत लोमड़ी, मिंक, अरमान, रेंडियर आदि पालने के लिए बड़े बड़े समूर के फार्म कनाडा व रूस में स्थापित किए गए हैं। इससे यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बदल रहा है। इस प्रदेश के दक्षिण में शीतोष्ण घास प्रदेश की सीमा पर जौ, राई और आलू उत्पन्न किया जा सकता है। साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल, रूस तथा कनाडा में कैनेडियन नेशनल और कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग इन वन प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने टैगा प्रदेश पर चर्चा की है और पार्ट 2 में हम टुंड्रा प्रदेश को जारी रखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए। अगर सचमुच आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू।